ये जी, अब हम उठा के ले आए हैं अपना फिश को इधर ग्रासी प्लाट के अंदर। अब इसका करेंगे चचा खमीसा पहले टेस्ट, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसका टेस्ट करके। हाँ चलो जी, नसीब नसीब की बात होती है। शबाज श्री साहब अभी अभी पहुंचे हैं, हमने खाना खा लिया है, लगता है शाम को और बनाना पड़ेगा। चलो जी, मर्जी है। कैसे जी हैं जरा हमी साहब? हाँ सवेरे वाला चलो हमको आखू सुबह जा रहे हम बे रोटी खा के दिए थे। हाँ चलो सवेरे आपने बोला था पहले आख्या था मैंने मके थे आप या माए कना। अच्छा फोन तो गाल चलती रहेगी। अच्छा फोन पे जाए खमीसा की शबाज शरीफ के साथ बात हुई है। अच्छा अच्छा जाए खमीसा। हाँ मैं कहूँ सुबह हेलीकॉप्टर इधर क्यों चक्कर लगा रहे हैं फार्म हाउस के ऊपर? मैं थे आया मैं दो आया वायरलेस की। अच्छा मैं क्या आ बनो ठीक है ये थे बिला गिन हेलीकॉप्टर। हाँ दे वो डिटेन आके था पाव दे बलान पे आई नुकसान थी देते दा बड़ी मैं के मेहरबानी है ठीक माशाल्लाह जी, खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया माशाल्लाह फिश खा के। हाँ जी शबाज शरीफ साहब भी आ चुके हैं। शबाज शरीफ खाना ना ये मछली है ना घर में जाना ना ही ना किंग गया है ना। हाय देसी मछली सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़म, आप देख रहे हैं आज़म का दस्तर खान यूट्यूब चैनल। आज जी हम बनाएंगे तवा फिश देसी खगूंगी, ये इसे हमारी ज़ुबान में बोलते हैं अपना देसी खग है जी। ये जी मैं कल अपना कच्चे के इलाके में गया था, वहां से हमने किसी दोस्त ने हमें दिए हैं। बिल्कुल जी माशाल्लाह बकरे से भी ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं देसी खगे। इनका शोरबा जो सा होता है कमाल का बनता है माशाल्लाह। बिल्कुल कल शाम के लेके आए हैं, अभी सुबह के अपना 9 बज चुके हैं लेकिन इनकी जान नहीं निकली। देखें इनकी माशाल्लाह सांस कितनी लंबी होती है देसी खगे की। अगर किसी दोस्त ने ये खाए हैं उसे पता है इसकी लज्जत का, ये कैसे बनते हैं और कितना इनका टेस्ट होता है माशाल्लाह, बहुत कमाल के बनते हैं। इनकी थोड़ी सी जान निकल जाए उसके बाद फिर मैं इनको बनाऊँगा जी, इनकी बोटियाँ बनाऊँगा माशाल्लाह जी, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसे आज हम बनाएंगे तवे के ऊपर, आला किस्म के ये बनते हैं। ये जी अब मैं अपना फार्म पे लेके आ चुका हूँ फिश की, हमने बोटियाँ बना ली हैं। जी चचा खमीसा मूलियाँ लेके आ रहे हो? वाह जी वाह चचा खमीसा, ये वाह जी वाह चचा खमीसा, फ्रेश मूलियाँ लेके आए देसी मच्छी पे पके नु आई जी एपी करते खाना कम दू। हां जी देखें जी सुभान अल्लाह फ्रेश मूलियां बिल्कुल ताजा ताजा होनी एक गप दे विचो कढ़ी आया। वाह जी वाह, आज शबाज शरीफ ना ब्याह सी? वाह शबाज शरीफ तो मैं क्या गे। अच्छा अच्छा वाह, मैं किथे लईया चक्कर मैं जतनी खाना छाना बने ना। वाह जी वाह, आज राजनपुर में शबाज शरीफ आया हुआ है जी अपना स्टेडियम अपना यूनिवर्सिटी के अंदर। इधर आज हम अपना फिश बना रहे हैं देसी VIP। ये हमने अपना तवा रख दिया ऊपर, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, 2 चम्मच सालन पकाने वाले। ये जी अब हम शुरू करते हैं, आग जलाते हैं तवे के नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आग जी हमारी जल चुकी है। ये तवा भी हमने स्पेशल मंगाया अपना सऊदी अरब का, ये तवा है। सबसे पहले जी हम इसके अंदर डाल देंगे 10 जवे लहसुन के, 3 अदद साज मिर्च कुटी हुई। बिस्मिल्लाह, इनको 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। दो मिनट तक जी हमने फ्राई किया सब्ज़ मिर्च और लहसुन को। अब इसके अंदर हम 3 अदद बड़े टमाटर डाल देंगे छिले हुए।
आज जरा फिश को हम बनाएंगे मसालेदार चाटपटी। अरे खमी साहब आपका तवा इधर रुल रहा है, एक चाय वाला चम्मच लाल मिर्च पिसा हुआ पाउडर, आधा चम्मच चाय वाला हल्दी पाउडर, एक चाय वाला चम्मच नमक, थोड़ा सा जी इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, टमाटरों को जी आपने अच्छे तरीके के साथ मैश करना है, थोड़ा सा इसे हम पानी लगाएंगे एक घूंट ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके के साथ मैश हो जाएं। टमाटरों को जी हमने अच्छे तरीके के साथ मैश किया है, इनके अंदर से पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर एक कोली दही की डाल देंगे, दही को हम 3 मिनट तक भूनेंगे अच्छे तरीके के साथ। ये जी अब हमने दही को अच्छे तरीके के साथ मैश किया है टमाटरों के अंदर, अब इसके अंदर हम फिश डाल देंगे। ये इसका वजन है माशाल्लाह 1 किलो, ताकि ये अपना ठोस गोश्त होता है इसलिए वजन नहीं होता है इसका गोश्त। अब इसे हम 5 मिनट तक भूनेंगे, इसके अंदर सिर्फ एक ही कांटा होता है, सिर्फ कंघी वाला, और ज्यादा कांटे नहीं होते इसके अंदर। एक चम्मच जी सफेद मिर्च डाल देंगे हम इसके अंदर, चाय वाला 1 चम्मच, अब जिसके अंदर हम डाल देंगे पानी, अब जी ऊपर से हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे।
15 मिनट के बाद हम दोबारा फिर इसका ढक्कन खोलेंगे जी। ये जी अब हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब इसका हम ढक्कन खोलेंगे। अब जी इसके ऊपर हम डाल देंगे सब्ज धनिया, फिश हमारी तैयार है। ये जो प्लेट रखना चाहिए कोई सा, इसको उठाओ या ढक्कन भी उठाओ, उठा के उधर रखना। अब जी हम सिलेंडर बंद कर देंगे, फिश हमारी तैयार हो चुकी है। ये जी अब हमने सिलेंडर बंद कर दिया, उठा के हम एक साइड पर रख देंगे, तब तक जी अपना चाचा खमीसा रोटियां बना दे। जी अब हमने सिलेंडर से उतार के फिश को रख दिया, चाचा खमीसा रोटियां बना रहे जी। चाचा खमीसा कितनी देर है जी? अच्छा वाल ठीक है सही। चाचा खमीसा कहता कोई देर नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर रोटियां तैयार होंगी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, दिया दरिया की जी अपना प्योर फिश, गजाइयत से भरपूर भरी हुई। ये जी अब हम उठा के ले आए हैं अपना फिश को इधर ग्रासी प्लाट के अंदर। अब इसका करेंगे चाचा खमीसा पहले टेस्ट, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसका टेस्ट करके। ये जी माशाल्लाह मसालेदार फिश हमारी तैयार है, साथ मूली और टमाटर का सलाद, और उसके बाद अपना टर्की। इनको हम बनाएंगे 2-3 दिन तक ना, दोबारा फिर तंदूरी बनाने हमने ना। नमक डाला चाहे हमेशा, नमक डालो थोड़ा सा इसके ऊपर। चल जा हमेशा इधर मंजे दा बैठ, चौधरी बन जा, मैं इधर चेयर पे बैठता हूँ। आप टेस्ट करें, हम टेस्ट करके बताएं इसका। हाँ रोटियाँ इधर, सलाद इधर खा लो, नमक थोड़ा पावे हाँ, बंदे मार पा रही थी दिनों से। हाँ जा हमेशा सुभान अल्लाह क्या जायका है। अरे खा तो सही। हाय 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 हाय। हाँ जा टेस्ट अच्छा है, टेस्ट पी सही सुभान अल्लाह। अच्छा टर्की कवा ये टेस्ट करे ने के कुन रला दे विच। ये जी अब मैं बैठता हूँ चाय खमीसा के साथ। सुभान अल्लाह चाय खमीसा एक नवाला तोड़ो रोटी का। वाह जी बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ये जी अपना साथ फिश, इसके अंदर सिर्फ एक ही कांटा होता है जी,
ज्यादा कांटा नहीं होता। मुर्गी बैठा खमनी, मुर्गी जैसी है मिसाल तौर पर। ये फिश ताजी चीज का अपना टेस्ट है, चाहे हमेशा बेहतरीन है। ये देखें जी, साथ इसके बोटी, थोड़ी सी ग्रेवी, ये नवाला तैयार है हमारा। माशाल्लाह है, चेक करें नवाला आप, इसके ऊपर ग्रेवी चेक करें। ना शैतान के टूटिया, ये जिसके अंदर यही कांटा होता है, सिर्फ एक कंगी और आपको कांटा कहीं नहीं नजर आएगा। ये देखें, मैं बोटी उठा रहा हूँ आपके सामने, इसके अंदर सिर्फ एक ही कांटा है, कंगी वाला। ये जी, ये कांटा है सिर्फ, ये सिर्फ खाली बोटी। माशाल्लाह जी, VIP टेस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है ये जी। हम दोबारा फिर इसे खा लें, फिर उसके बाद एंड में आपको दिखाएंगे। बच्चे को ना सकती बद्दे सुनी, खाने दो खाना, थोड़ी सी रोटी डालो। ये लो जी, चलो चलो शाबाश, चलो अब खाना खाने दो हमें जी। अब हमने खाना खा लिया है, शहबाज शरीफ साहब जी अभी आ रहे हैं जी, हमने तो खाना पहले खा लिया। किस तरफ है जी हेलीकॉप्टर? हाँ, किधर गया शेख हमीद? हेलीकॉप्टर नहीं नजर आ रहा चाचू। अच्छा अच्छा जा, शेख हमीद कह रहा था शहबाज शरीफ ने कहा, वो जी रहा सामने हेलीकॉप्टर, वो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जा रहा हेलीकॉप्टर जी। आप जी हमने खाना खा लिया, जाएं आप वापस। ये इधर अपना स्टेडियम है, उसके अंदर लैंड कर रहा है, उतर रहा है हेलीकॉप्टर। वो देखें जी, ये सामने उतर जाएगा। हम इधर उतरेगा जी, अपना यूनिवर्सिटी जो जो बनाई थी वो बंद हो गई, अभी हमारा ठहरी हुई है यूनिवर्सिटी की। पहले मजारी दे गया क्या है ना, ये किधर मैं अपनी किथा गया, मजारी नु गया, वे पास गया। चलो जी, नसीब नसीब की बात होती है। शहबाज शरीफ साहब अभी अभी पहुंचे हैं, हमने खाना खा लिया है, लगता है शाम को और बनाना पड़ेगा। चलो जी, मर्जी है। कैसे जी हैं जा हमीसा? हाँ सवेरे वाला, चलो हमको आपको भेज जा रहे हैं, हमें रोटी खा गई थे। हाँ चलो सवेरे, आपने बोला था पहले आख्या था, मैंने मैं थे आप या माए करना। अच्छा, फोन पे गाल चलती रहेगी। अच्छा, फोन पे जाए खमीसा की शहबाज शरीफ के साथ बात हुई है। अच्छा अच्छा, जा खमीसा। हाँ। मैं कहूँ सुबह हेलीकॉप्टर इधर क्यों चक्कर लगा रहे हैं फार्म हाउस के ऊपर? मैं आया, मैं दो आया वायरलेस की थी। अच्छा, मैं क्या आ बनो माशाल्लाह जी, खाना बहुत टेस्टी था, मजा आ गया माशाल्लाह फिश खा के। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब भी आ चुके हैं। शहबाज शरीफ खाना ना ये मच्छी है ना, घर वन का ना ही ना है ना, है देसी मछली, सुभान अल्लाह।